आज के क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाइव सिंबल से कॉमनली इंडिकेट करते हैं सभी को ही। फाइव फ्लक्स का पहले मैं आपको एनालिटिकल या कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा। कंसेप्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं किसी सरफेस के थ्रू, आपको जनरली क्या करते हैं वो फ्लक्स पूछते हैं, मतलब कि कोई एक सरफेस दे देंगे और उस सरफेस के थ्रू बताएंगे कि पूछेंगे आपको कि बताओ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितनी आ रही है। तो फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो दो सर्फेसेस जनरली आपको दिखेंगे, एक है ओपन सर्फेस दिखेगा या क्लोज सर्फेस दिखेगा। ओपन सर्फेस मतलब जैसे अगर मान लो एक प्लेन ही बना दिया आपने, एक एक पेपर का एक प्लेन ले लिया, तो उसको मतलब एक पेपर ले लिया तो वो पेपर एक ओपन सर्फेस है। बट अगर मैं एक बॉटल की बात करूं तो एक क्लोज सर्फेस है। तो सर्फेस जनरली आपके दो तरह में डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक ओपन सर्फेस की बात कर रहा हूं और एक क्लोज सर्फेस की बात कर रहा हूं। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जस्ट जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ओपन सर्फेस की बात करते हैं तो ओपन सर्फेस में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस गिवन सर्फेस के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी किसी ओपन सर्फेस के थ्रू आपको फ्लक्स पूछा जाए तो हम बेसिकली ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस उस गिवन सर्फेस से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्फेस, इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करना इज डिफरेंट फ्रॉम यू नो सर्फेस को ग्रेज करना। इंटरसेक्ट मतलब कि वो काट के निकलेगा, एंड ग्रेज करना मतलब सर्फेस के पैरेलल हो जाएगा। कोई लाइन अगर सर्फेस के पैरेलल है तो आप समझ जाओ कि वो बेसिकली यू नो फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट अगर लाइन सर्फेस को काट रहा है इंटरसेक्ट करके निकल रहा है तो समझ जाओ कि वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस और द एस्टिमेट ऑफ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस दैट इज इंटरसेक्टिंग अ गिवन सर्फेस इज सेड टू बी द फ्लक्स थ्रू द ओपन सर्फेस। यही जब आप क्लोज सर्फेस की बात करते हैं तो क्लोज सर्फेस में ये डेफिनेशन को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना पड़ता है। उसमें चेंजेस क्या होते हैं कि जैसे क्लोज सर्फेस में एक है एंटरिंग लाइंस होते हैं और एक है एग्जिटिंग लाइंस होते हैं, मतलब हो सकता है कुछ लाइन एंटर कर रहा हो कुछ लाइन एग्जिट आउट कर रहा हो। तो ये दोनों लाइंस को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। एंटरिंग लाइंस को हम क्या कहते हैं, एंटरिंग लाइंस को हम नेगेटिव फ्लक्स की तरह ट्रीट करते हैं, एंटरिंग लाइंस को नेगेटिव फ्लक्स की तरह ट्रीट करते हैं। और जो आउटगोइंग लाइंस होते हैं सर्फेस से, क्लोज सर्फेस की बात कर रहा हूँ, आउटगोइंग लाइंस जो होंगे उनको हम पॉजिटिव फ्लक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्फेस पूछे तो हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस या तो अंदर आ रहे हैं या तो बाहर जा रहे हैं। इंटरसेक्टिंग की बात नहीं करेंगे, एक ऐसा लाइन जो कि अंदर भी घुस रहा है और बाहर भी जा रहा है उसको हम नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कराएंगे, क्योंकि वो एंटर किया तो नेगेटिव फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा और एग्जिट आउट हो गया तो फिर वो पॉजिटिव फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका नेट कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का जीरो हो जाएगा। आपको जितनी बात मैंने अभी तक बोली कि आपको समझ आई है यह सारी बातें, कोई भी क्लोज सर्फेस जैसे आप एक यू नो एक बॉक्स ले लो शेल के अंदर सपोज, हाँ मतलब बीच में खाली स्पेस होना चाहिए और चारों तरफ से बंद होना चाहिए, क्लोज सर्फेस वही हो जाएगा। या मतलब कोई भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ओपनिंग अगर है तो उसको ओपन सर्फेस बोलेंगे। जैसे अगर आप सोचो कि जैसे एक मिनट रुको, जैसे आप ये सोचो ये बॉटल है, ये बॉटल क्या किसी भी तरफ से खुला हुआ है, कहीं से भी खुला हुआ दिख रहा है आपको, कहीं से भी नहीं, तो ये क्या है, ये क्लोज सर्फेस है, ये क्लोज सर्फेस है। मतलब अगर अब मैं बोलूं, अब अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में से कोई सा क्लोज है क्या? नो नो, बोथ आर ओपन सर्फेस, समझ आ रही है, बोथ आर ओपन सर्फेस का। सो ओपन सर्फेस का मतलब है कि जिसका खुला एंड हो, मतलब यहाँ माउथ खुला हुआ है तो वो खुला ओपन सर्फेस हो गया, मतलब जिसके अंदर वॉल्यूम इनक्लोज होना चाहिए। अगर मैं इसको बंद कर दूं, यहाँ पे ढक्कन लगा दूं, ढक्कन के ऊपर एक और ढक्कन लगा दूं, तो ये क्लोज सरफेस हो गया। आई गेटिंग इट, समझ आ रही है? ठीक है सर। बोलिए सर, अगर कोई सॉलिड सा मटेरियल होगा कि मतलब अंदर से भरा हुआ है तो उसके अंदर अगर फील्ड घुस के अगर बाहर जाए तो उसको क्या हम क्लोज सरफेस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं? सरफेस तो तुमने क्लोज ही बोल दिया, सो अंदर से सॉलिड, उससे क्या मतलब है, बाहर से तो क्लोज है ना चारों तरफ से। तो अंदर जैसे अगर मुझे कोई एक अगर मुझे कोई फुटबॉल दिखाए, मुझे अगर कोई मुझे फुटबॉल दिखाए, सपोजली कोई एक फुटबॉल दिखाए मुझे, तो फुटबॉल के अंदर क्या है मुझे दिखता है क्या, मुझे दिखता है क्या फुटबॉल के अंदर क्या है? नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो वो अंदर सॉलिड है या हॉलो है मुझे कैसे पता? हाँ तुम फाड़ के देखोगे तब तुमको पता चलता है कि अंदर में हॉलो है, बट फाड़ के नहीं देखोगे तो मतलब अंदर का कुछ पता नहीं है ना आपको।
सो इट इज द बाउंड्री विच इज डिफाइनिंग द सर्फेस एज क्लोज और ओपन. बाउंड्री डिसाइड करता है, शेप डिसाइड नहीं करेगा. ये अंदर में सॉलिड है या नहीं वो डिसाइड नहीं करेगा. बाउंड्री बाउंड्री क्लोज है या नहीं है. बाउंड्री अगर क्लोज है तो क्लोज सर्फेस बोलेंगे, अगर बाउंड्री ओपन है तो आप ओपन सर्फेस बोलेंगे. समझ आ रही है? ओके सर, ठीक है सर, क्लियर. ठीक है, सो ये जो मैंने बोला है अभी पहले वो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे फिर आपको डायग्राम से भी और ज्यादा समझाऊंगा. ठीक है, कंसेप्चुअली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें वो सारे कंसेप्चुअल बातें, ठीक है, मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूँ. कंसेप्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अंडरस्टूड स्लाइटली डिफरेंटली फॉर पहला ओपन सर्फेस और ओपन सर्फेस एंड दूसरा क्लोज सर्फेस. फॉर ओपन सर्फेस इट इज द एस्टिमेट ऑफ द काउंट ऑफ the total number of field lines, total number of field lines that intersect the given surface. ठीक है, अब intersect का मतलब ये ध्यान रखना कि उसको intersect करना है, मतलब surface के parallel हो तो उसको grazing lines बोलते हैं. Field lines which are parallel to surface, field lines which are parallel to surface are grazing lines. These do not contribute in flux. ठीक है, जैसे अगर सिचुएशन सोचो आप ऐसा कुछ दिख रहा है, मान लो ये देखो, मैं यहाँ पे तीन सरफेस मैंने दिखाया है, एक जो वर्टिकल सरफेस है इसको पार्ट वन कह रहा हूँ, एक जो स्लांट सरफेस है स्लांट सरफेस उसको मैं पार्ट टू कह रहा हूँ, और नीचे में तीसरा एक है जो फ्लैट सरफेस है मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस इसको पार्ट थ्री कह रहा हूँ. ठीक है, ये तीन सरफेस मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं. इन तीन सरफेसेस के थ्रू अगर मुझे फ्लक्स पूछा जाए, यू नो ए फील्ड लाइन के लिए, जैसे मैं यहाँ पे फील्ड लाइन भी दिखा दे रहा हूँ, थ्री डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यू नो ऐसा दिखा रहे हैं आपको. आई होप आपको डायग्राम समझ आ रही है. डायग्राम समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ. ठीक है, कैन यू इमेजिन एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट सर्फेस बट डज नॉट पास थ्रू द सेकंड सर्फेस? ऐसा एक भी लाइन है क्या? नहीं सर. दिख रही है आपको? एवरी लाइन विच पासिस थ्रू द फर्स्ट सर्फेस इज पासिंग थ्रू द सेकंड सर्फेस ऑल्सो. डू यू सी दैट?
यस सर। और एंड बाय डेफिनेशन इंडिविजुअली अगर देखोगे तो फर्स्ट सर्फेस भी एक प्लेन सर्फेस इज ओपन सर्फेस, सेकेंड सर्फेस भी एक प्लेन सर्फेस इज ओपन सर्फेस, सो दोनों में काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू देम आर सेम, राइट? राइट, तो बाय डेफिनेशन हमें क्या बोलना चाहिए, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सर्फेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सेकंड सर्फेस, कह सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, एंड नंबर थ्री जो सर्फेस दिखा रखा उसके लिए जो भी लाइंस होंगे, देखो जो भी लाइंस होंगे वो ग्रेजिंग लाइंस ही होंगे, दिख रही है? क्योंकि फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है एंड सर्फेस भी हॉरिजॉन्टल है, डू यू सी दैट? यस सर। तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द थर्ड सर्फेस कितना होगा, जीरो होगा। समझ आई आपको? समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किस में ज्यादा है, किस में कम है, किन दोनों में इक्वल है, किस में जीरो है, बस ये निकालना सीख रहे हैं। किस में कितना फ्लक्स है ये निकालना नहीं सिखा रहा हूं। जैसे अभी मैंने आपको पूछा कि फ्लक्स फर्स्ट सर्फेस के थ्रू या सेकंड सर्फेस के थ्रू कितना है ये बताओ, तो ये आपको पता नहीं है कितना फ्लक्स है, ये नहीं पता है। बट डेफिनेटली आपको ये पता है कि फर्स्ट सर्फेस के थ्रू जितनी लाइन जाएंगे सेकंड सर्फेस के थ्रू भी एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ लाइन जाएंगे, तो इसलिए दोनों का फ्लक्स हम सेम कह रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? ठीक है, अगर मान लो कि अभी yes, मैंने क्या किया, अब एक डायग्राम देखो, एक और ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो इसको इंटरप्रेट करो एक बार। इमेजिन करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस प्लेन सरफेस को मैं यहां से घुमा देता हूं, ठीक है, इस प्लेन सरफेस को यहां से घुमा रहे हैं और इसको थोड़ा सा थीटा एंगल पे मान लो मैंने टर्न कर दिया, थीटा एंगल पे टर्न करने से क्या इसका साइज चेंज हो जाएगा या साइज वही रहेगा? साइज तो वही रहेगा, है ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस? साइज तो वही रहना है। यस सर, साइज विल रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो, अब देखो अगर मैं यहां से इसके थ्रू अगर लाइंस पास करा हूं, इधर से सोचो लाइंस पास करा रहे हैं, ये देखो इस बार, देखो आप इस बार जो दोनों सर्फेस है उसके थ्रू फ्लक्स सेम नहीं मिलेगा आपको, ये फर्स्ट सर्फेस और ये सेकंड सर्फेस, क्या सेम मिलेगा आपको? नो सर। नो सर। इस बार देखो जो नीचे जो वर्टिकल सर्फेस है उसके थ्रू नीचे से कुछ ऐसे लाइंस भी पास कर रहे हैं जो सेकंड वाले के थ्रू पास नहीं कर रहे, बट सेकंड सर्फेस के थ्रू जितने भी लाइन पास कर रहे हैं वो पक्का है फर्स्ट के थ्रू तो पास कर ही रहे हैं, कर या नहीं कर रहे? फर्स्ट के थ्रू जितने लाइंस पास कर रहे हैं सेकंड से थोड़े कम पास कर रहे हैं, सेकंड से जितने पास कर रहे हैं वो फर्स्ट के थ्रू सारे सर्टेनली पास कर रहे हैं ना, तो इससे हम श्योर होकर कह सकते हैं इससे हम श्योर होकर कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस विल बी ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक और देखो, सपोजली ऐसा एक सिचुएशन सोचो, Is it axis? ये x axis, and ये y axis. यहाँ पे एक plane surface मैंने draw किया है. ये plane surface कौन से plane में? XZ. XZ ये तो सबको समझ आ रही है ना? I hope so everybody is understanding. ये एक plane जो मैंने draw किया है ये XZ plane है. सबको समझ आ रही है ना बेटा? Yes. ठीक है. अब imagine करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है? ओरिजिन पे एक चार्ज प्लेस कर दिया, ओरिजिन पे, ठीक है, दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं प्लस क्यू है और इसको पॉइंट चार्ज ही लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट चार्ज। इस प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? इमेजिन एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस, दिस ऑल लाइंस विल बी ग्रेजिंग ऑर नॉट? यस सर। डू यू इंटरप्रेट दिस?
कैन यू इंटरप्रेट दिस? यस यस सर, है ना? यस। तो ऐसा एक भी लाइन नहीं है जो इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ये सारे लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये सारे लाइंस क्या है, ग्रेजिंग है या नहीं है? समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप चार्ज रख देते हो तो उस चार्ज का कोई फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं हो सकता है। समझ आ रही है आपको? Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. So, इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालो गया तो ये आपका जीरो हो जाएगा। Understood? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आप क्या सीख रहे हो? Any charge, any point charge rather, charge तो नहीं, point charge लिखना चाहिए, point charge, which is placed in a plane. That plane will have grazing lines and hence no flux contribution. No flux contribution. ठीक है, तो ये open surface का concept कम से कम थोड़ा तो समझ आ गया कि open surface हम क्या mean कर रहे हैं flux का। सबको समझ आई है open surface से flux का? Yes sir. पक्का ना? Yes sir. ठीक है, अभी क्लोज सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने ओपन सरफेस की बात कर ली है, अब क्लोज सरफेस की बात करते हैं। मैंने मतलब तो आपको बता दिया, वो लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। इट इज एन एस्टीमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट either enter or leave a surface, leave the surface. Conventionally, field lines which leave the surface contribute in positive flux. And dusra, field lines which enter the surface contribute in negative flux. आपको ये चीज बहुत clearly समझ आना चाहिए कि entering and exiting ये तभी मतलब निकलेगा जब क्लोज सरफेस हो या नहीं है। ओपन सरफेस में क्या कभी हम बोल सकते हैं कि एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, बोल सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। जैसे आप सोचो कि अगर मान लो कि आप एक फिजिकल क्लासरूम की बात कर रहे हैं, मान लो एक फिजिकल क्लासरूम में हो आप, तो फिजिकल क्लासरूम में हो तो दरवाजा है, वॉल है, ये सब मिला के आपके रूम को बंद कर देता है। तो टीचर अगर आपको बोलता है गेट आउट ऑफ द क्लास, तो उसमें सच में कोई मतलब निकलता है कि यू आर सपोज टू मूव आउट ऑफ द क्लास। क्लास इज अ कन्फाइंड स्पेस जहां पे चार दीवार है, एक गेट है, गेट बंद करता है उसको, तो दैट्स अ क्लोज स्पेस, तो उसमें बाहर निकलने का एक मतलब है। बट इमेजिन करो कि कोई एक ऐसा क्लास जो कि यू नो ओपन ग्राउंड में चल रहा है, ओपन ग्राउंड में, और उस ओपन ग्राउंड में मान लो कि टीचर बोल दे बच्चे को कि गेट आउट ऑफ द क्लास, तो वो कहां जाएगा? इज ही लिटरली टॉकिंग सेंस, क्या वो बाहर निकल सकता है क्लास से? नो सर। आई गेट द आइडिया। एंटरिंग एंड एग्जिटिंग का कंसेप्ट तभी हो सकता है जब आप किसी क्लोज सर्फेस की बात करते हैं, एंड ओपन सर्फेस में हम कभी भी एंटरिंग एंड एग्जिटिंग की बात नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्फेस को एंटर भी करती है एंड एग्जिट आउट भी करती है, तो ऐसी लाइन कभी भी आपके फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एनी फील्ड लाइन that enter the surface at some point and leaves at the other, then such a line does not contribute in flux. आई होप आपको ये बातें तो क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आप ये नहीं समझोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सबको समझ तो आ रही है ना ये चीजें? समझ आ रही है ना? ठीक है, चलो अभी एक छोटी सी चीज देखते हैं। जैसे मान लो कि सपोजली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सरफेस बनाया है सेंटर से थोड़ा हटके, एंड यहाँ पे एक और बड़ा सरफेस बनाया है, ये एग्जैक्टली उसके सेंटर पे ही पॉइंट चार्ज को रख दिया है। अब मैंने इन दोनों को एक एक सरफेस मार्क कर दिया, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज सरफेस वन एंड दिस इज द सेकंड सरफेस, सरफेस टू, किसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा, किसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा? जो अंदर वाले को लीव कर रहा है और बाहर वाले को लीव नहीं कर रहा है, ये बताओ। सेम होगा, सेम। टेल मी वन सच लाइन, प्रितेश, प्रितेश बोल रहे थे ना शायद? यस सर। हां, टेल मी वन सच लाइन व्हिच इज लीविंग द स्मॉलर सरफेस बट डज नॉट लीव द लार्जर सरफेस। वन सच लाइन, एनी लाइन, ड्रॉ एनी लाइन, आप दिखा दो मुझे ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ करके जो फर्स्ट सरफेस को लीव आउट कर रहा है बट सेकंड को नहीं लीव आउट कर रहा है, दिखा दो, बताओ। यस सर। क्या यस सर? यस सर का क्या मतलब है सर? सोचा नहीं ठीक से। फिर इसीलिए देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें, बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले ये समझना जरूरी है कि आपको फ्लक्स कहाँ पे आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ ज्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, कितना फ्लक्स आ रहा है, ये तो बाद में अपने आप सीख जाएंगे अगर आप ये चीजें में क्लियर हो तो। आई होप सबको समझ आ रही है कि हमने फ्लक्स सेम क्यों लिया। यस सर। यस सर। दोनों सरफेस का फ्लक्स आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अभी एक और देखते हैं, सपोजिटली यहाँ पे एक सरफेस ले लिया हमने, यहाँ पे एक सरफेस लिया है, एंड इमेजिन करो कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, दिस अ पॉइंट चार्ज। अब बताओ कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो। जीरो। गुड, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप ऐसा लाइन इमेजिन नहीं कर सकते जो सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार कर सकते। एनी लाइन विच एंटर्स द सरफेस विल आल्सो लीव द सरफेस, होगा ही नहीं होगा, आप सोचो। yes. और जो ग्रेजिंग है तो उसको वैसे भी काउंट नहीं करेंगे, जो ग्रेजिंग है क्या हम उसको काउंट करेंगे? और यहाँ से देखो ये बाहर निकल गया तो ये पॉजिटिव फ्लक्स हुआ, समझ आ रही है? तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के कितना हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया? बाकी तो वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसके थ्रू अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूं, नेट फ्लक्स तो कितनी मिलेगी हमें, जीरो मिलेगी या नहीं मिलेगी? समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सपोजली यहाँ से एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, सपोजली यहाँ से एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है, इस बाउंड्री के लेफ्ट की तरफ एक सरफेस है उस ब्लू वाले पार्ट का, मतलब जो स्फीयर ड्रॉ किया है उस स्फीयर का लेफ्ट वाला पार्ट एक है और एक राइट वाला पार्ट है, दिख रहा है बाउंड्री जहाँ ड्रॉ किया उसके बाउंड्री के लेफ्ट में और राइट में? यस सर। लेफ्ट वाला बाउंड्री छोटा है और राइट वाला बाउंड्री बड़ा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? यस। बट क्या फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन दोनों में इंडिविजुअली अगर दोनों में बोले तो सेम है या नहीं? हाँ सर, सेम। yes, दोनों इंडिविजुअली तो ओपन सरफेस है ना, इंडिविजुअली लेफ्ट हाफ वाला जो छोटा सर्फेस है राइट हाफ वाला जो बड़ा सर्फेस है, दोनों इंडिविजुअली ओपन सर्फेस है या नहीं है? yes, और ओपन सरफेस में तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब नहीं है, ओपन सरफेस में क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों में सेम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? yes. समझ आ रही है सबको? ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी एक क्लोज सर्फेस बनाते हैं तो उस क्लोज सर्फेस के बाहर में अगर आपने किसी चार्ज को रखा है तो वो चार्ज की वजह से कोई क्या नेट फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उस सर्फेस के थ्रू? नहीं सर। बट फील्ड का कंट्रीब्यूशन तो होगा ना? यस। फील्ड का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? इस सरफेस में कोई भी ऐसा पॉइंट आप ले लो, हर जगह पे ये चार्ज का फील्ड तो है ना?
है ना। तो ये चार्ज जो है, कोई भी क्लोज सरफेस अगर आप लेते हो तो क्लोज सरफेस के बाहर अगर आपने किसी चार्ज को रखा है तो उस चार्ज की फील्ड तो है हर जगह पे, बट इस चार्ज का कोई नेट फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इस सर्फेस के थ्रू नहीं हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. So you need to understand, देखो, field zero है, flux zero है, दोनों same चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं? अलग। अगर मैं बोल रहा हूँ field zero होगा तो flux भी zero होगा, सही या गलत? सही। सही। ये तो सही है क्योंकि field ही नहीं है तो इसका मतलब line ही नहीं है ना, समझ आ रही है? Yes, sir. But अगर किसी ने बोला flux नहीं है तो इसका मतलब field भी नहीं है, क्या सही है गलत? Wrong. गलत। No, are you understanding the difference? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें ध्यान रखिए, इन सब चीजों पे कंफ्यूज नहीं करेगा, ये हमारा फाउंडेशन है फ्लक्स को लेके, यानी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप पास करेंगे तो आगे काफी इजीली निकल जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम सभी ध्यान रखेंगे इसको। एनी चार्ज विच इज प्लेस्ड आउटसाइड a closed surface does not contribute in any net flux through it. इसको ध्यान रखिएगा। And reason अगर आपसे कोई पूछे क्यों, तो बस इतना ही बोलेंगे कि as many lines which leave the surface, that many lines enter the surface also. बस इतना बोलेंगे काफी है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। चलो अभी आप अगर समझे हो तो एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि एक टेबल का सरफेस है। This is the surface of a table. And इस टेबल पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड बाउल रखा हुआ है, ऐसा एक इन्वर्टेड बाउल है, समझ आ रही है आपको? Yes. This is inverted bowl. बाउल अगर देखोगे तो बाउल ओपन सर्फेस है या क्लोज सर्फेस है? बाउल क्लोज सर्फेस है, जैसे सही एक मिनट नहीं, सिर्फ बाउल नहीं, ओपन है, सिर्फ बाउल नहीं सर, टेबल के हिसाब से सर आप म्यूट हो गए हो। नहीं बेटा, मैंने म्यूट कर दिया था, वो दिव्यांश ने नीचे से फोन लगा दिया था, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ फोक क्लास में, वो मेरा वेट करता है, उसको बुद्धू बना के मैं आता हूँ, तो इसलिए। चलो एनीवेज, ठीक है। हाँ बोलो अभी, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, इन्वर्टेड बाउल को आप कैसे ओपन सर्फेस क्लोज सर्फेस बोल रहे? किसी ने बोला, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया किसने बोला, क्लोज सर्फेस कैसे? सर नहीं सर, वो सो हियर दिस इन्वर्टेड बाउल इज क्लोज्ड। नो नो, इन्वर्टेड बाउल इफ यू कंसीडर विद द टेबल सर्फेस देन इट्स क्लोज्ड। But if I'm talking only of the bowl, is it a closed surface? It's open. No, sir. It's open. See, there's a difference in understanding. See, if you are considering only the bowl, even if you keep it inverted or you keep it, you know, straight, irrespective of its orientation, it is an open surface. But if you are taking the table surface into consideration also, then the table surface included with the bowl surface becomes a closed surface. Are you understanding the difference? ठीक है, ठीक है। अब इस तरह के सरफेस पे मान लो हमने इसी का ही, अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है? जस्ट इसमें मैं मुझे कुछ चार्जेस दिखाने बेसिकली यहाँ पे, तो इसका मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, टेबल का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू नहीं, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब सामने से आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, तो सामने से देखोगे तो आपको ये टेबल का सर्फेस दिखेगा, दिस इज द टेबल सर्फेस, एंड यहाँ पे हमारा ये बाउल ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ चार्जेस रखे हैं, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू वन, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक प्लस क्यू वन रखा हुआ था। फिर मान लेते हैं अंदर में यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, लेट अस से यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मान लेते हैं माइनस क्यू टू, मतलब इसके अंदर,
यहाँ पे माइनस क्यू टू है, इसके सरफेस में यहाँ पे एक चार्ज रखा है मान लेते हैं माइनस क्यू थ्री, यहाँ पे माइनस क्यू थ्री, और यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज रखा है हमने बाहर में क्यू फोर, प्लस क्यू फोर मान लेते हैं, दिस इज प्लस क्यू फोर, ये ऊपर की तरफ है। देखो फ्रंट व्यू इसलिए ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी क्योंकि अगर मैं टेबल वाला डायग्राम ही ड्रॉ करूंगा तो पता नहीं चलता है ना कौन ऊपर है कौन नीचे है, समझ आ रही है आपको? देखो Q1 और Q4 लग रहा है ना एक टेबल के सरफेस पे रखा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? Yes. बट अब फ्रंट व्यू ड्रॉ किया तो आपको पता चल रहा है ना एक ऊपर है और एक टेबल के सरफेस पे, समझ आ रही है? ठीक है, तो जस्ट वो बेटर फील देने के लिए आपको वैसा ड्रॉ किया गया। एंड एक और चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं इसके यहाँ पे, ये मान लेते हैं क्यू फाइव है, दिस प्लस क्यू फाइव, यहाँ पे क्यू फाइव रख दिया। अब आप ये बताओ सोच के, सिर्फ और सिर्फ मैं हेमिस्फेरिकल बाउल का सर्फेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल वाला सर्फेस, उस सर्फेस के थ्रू कौन से चार्जेस हैं जो फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, बस इतना ही आपको सोच के बताना है। विच आर द चार्जेस विच आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल बाउल, दैट्स इट। Sir, okay. Sir, I think it will be Q2 minus Q2, then plus. और थोड़ा सोच लीजिए, और थोड़ा सोचिए, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा 30 seconds कम से कम सोचिए तो सही, इतनी जल्दी नहीं। No, okay, sir. हाँ अब आप बोल सकते हैं, बताइए किसको जवाब देना है, बताइए, who wants to answer, बताइए। Yes sir, sir this is Chirag. हाँ बोलिए Chirag. Sir I think all the charges except for plus Q1. All the charges except for plus Q1, justify करिए। Like minus Q3 is not placed at the topmost point of the inverted bowl. So there will be some field lines which will be passing. So had it been placed on the topmost surface then? Say I'm changing its location. आप मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने. Let us say. अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा? Yes, sir. How will your answer change? What difference does it create? So because it is on the on the plane there will be no flux creating. So okay. Let us see. देखो. Tell me how many times has this line cut the hemispherical bowl surface? Only once. You're right. Only sir, once. Yes, sir. So when it is cutting only once, doesn't it contribute in flux? It does contribute in flux, sir. So your logic that had it been taught on the top, so that becomes a bogus explanation, right? Yes, it does. ठीक है, तो ये रीजन नहीं है। चलिए ठीक है, हम फिर से प्रोसीड करिए। Q3 की वजह से फ्लक्स, तो आपका Q3 की वजह से फ्लक्स होगा, इसका लॉजिक क्या था? So like yes sir, like that I was doing it. हाँ, so इधर से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये Q3 के थ्रू देखो यहाँ पे ये फ्लक्स तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, so if you can find any line which is intersecting only once, तो ये definitely flux contribute कर ही रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। Q5 के लिए भी वैसे ही काम कर सकते हैं, can we do the same for Q5 also? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So Q5 के लिए भी वैसे ही करके दिखा देते हैं, so एक काम करते हैं यहाँ से Q5 के लिए ले लेते हैं, देखो यहाँ Q5 के लिए ये देखो एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है, मैं सर्फेस में जहाँ पे कट कर रहा हूँ वहाँ पे एक स्लांट थोड़ा सा लाइन इंटरसेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो Q5 भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी Q4 के लिए ले लेते हैं, Q4 का देखो, Q4 से एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर। There are some lines of it which are intersecting twice also, देखो ये देखो, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। Do you see this? Everybody, do you see this? Yes sir, हाँ ठीक है। Yes, तो ऐसे कुछ lines हैं जो contribute कर भी रहे हैं, ऐसे कुछ lines हैं जो नहीं भी contribute कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ सर, yes sir। अभी Q2 की बात करते हैं, let's talk of Q2 now।
Q2 की वजह से, ये तो दिख ही रहा है आपको, Q2 का आएगा, दिख रहा है ना आपको Q2 का फ्लक्स आएगा? हाँ सर। ठीक है, Q1 का नहीं आएगा, बस Q1 इकलौता यहाँ पे कल्प्रिट है। देखो Q1 का कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो, Q1 से कोई भी लाइन लो, कोई भी ऐसा लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते जो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करे। एनी लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग वंस, इट विल ऑल्सो इंटरसेक्ट ट्वाइस ऑल ट्वाइस। दिख रहा है आपको? देखो आप। Yes, sir. समझ आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट Q1 ऑल, है ना? तो चिराग का आंसर सही था बट एक्सप्लेनेशन गलत था सर। हाँ हाँ बोलिए सर। बोल रहा हूँ कि ये जो Q3 और Q5 है ये एग्जैक्टली सरफेस पे ही है, मतलब सरफेस के ऊपर वैसा नहीं। Q5 टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है एंड Q3 हेमिस्फेरिकल सरफेस पे रखा हुआ है। जब हम सरफेस बोलते हैं तो उसका थिकनेस हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो उस पॉइंट का जैसे डायमेंशन नहीं होता वैसे सरफेस का एक यू नो एक प्लेन कंसिडर कर रहे हो तो प्लेन का थिकनेस नहीं है। हाँ, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। सर Q4 भी तो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ लाइंस है, सारे तो लाइन नहीं है ऐसे। हाँ। सारे लाइन है क्या ऐसा? क्या सारे लाइन ऐसे है? नहीं सर। तो फिर सर सारे लाइन होते तब आप ये बात बोलते हैं। हाँ बोलिए शांतनु, बोलिए सर। अगर यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बोल के मतलब ये कंडीशन नहीं दिया होता, मतलब सेटअप के लिए बोलता होता कि व्हिच ऑफ द चार्जेस कंट्रीब्यूटेड नेट नॉन जीरो फ्लक्स, तो फिर तो Q4 नहीं होता। मतलब आप प्लेन सरफेस को भी काउंट कर रहे हैं बेसिकली, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता उसके थ्रू। हाँ सर ठीक है। यस। ओके एक और एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने तीन सरफेस ड्रॉ किए हैं, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। ठीक है, तीनों की रेडियस मैंने आपको आइडेंटिकल दे रखी है। इसकी रेडियस भी आ रहा है, इसकी रेडियस भी आ रहा है एंड इसकी रेडियस भी आ रहा है। वो ऑल दी थ्री हैव सेम रेडियस। यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड भी अप्लाई कर रखा है। लेट से देयर इज अ यूनिफॉर्म फील्ड इन दिस रीजन, एक यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है। आपको बस ये सोच के बताना है मुझे कि इन तीनों सरफेस जो हमने दिखा रखा है, मतलब स्फीयर और सिलेंडर और कोन, इन तीनों में से किस में आपका फ्लक्स ज्यादा होगा, यही आपको सोच के बताना है। कंपेयर बस बताना करना है, मतलब कितना है वैल्यू नहीं बताना है, कंपेयर करना है। कंपेयर दी फ्लक्स थ्रू दी थ्री सर्फेसेस, बताइए सर। प्लेन सेम होगा, सेम में कितना होगा बता सकते हैं सर? जीरो होगा। तो जीरो जीरो होगा। परफेक्ट, सेम मतलब सेम होगा और जीरो ही होगा सब में, है नहीं है? क्योंकि जितने लाइन एंटर कर रहे हैं वो सारे निकल भी तो रहे हैं। हाँ सर। यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो थ्रू ऑल। समझ आई? यस सर।
अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करते हैं. कंपेयर द एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स थ्रू देम. अब बताओ वो भी तो सेम सेम होगा. तो सेम फॉर ऑल थ्री. सेम फॉर ऑल थ्री पक्का? हाँ सोच लो. सोच लो. यस सर. सोच लो. दिस इज अ टू डायमेंशनल सेटअप ड्रॉन फॉर अ थ्री डायमेंशनल फिगर. सो यू जस्ट नॉट नीड टू सी व्हाट यू आर सीइंग, यू आर सी टू सी बियॉन्ड इट. आपको ये भी सोचना है कि अगर आप इस साइड व्यू से अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्योंकि आपको तो इधर से सामने से जो दिख रहा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो तो बेसिकली टू डायमेंशनल व्यू दिख रहा है ना इसका, है या नहीं है? अब मैं आपको एक थोड़ा सा, मैं आपको देखो देखो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या मीन कर रहा हूँ. मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे हमने कुछ इंसान को खड़ा कर रखा है, मान लेते हैं ठीक है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है एंड मान लो कि एग्जैक्टली सेम हाइट का एक और इंसान खड़ा है. एग्जैक्टली सेम हाइट का एक और इंसान खड़ा है यहाँ पे, सेम हाइट का है. सेम हाइट का है तो क्या विड्थ भी सेम होगा? जरूरी है? नहीं. तो इमेजिन करो कि इधर से कोई, इमेजिन करो कि इधर से यू नो फायरिंग करता है, ठीक है, इधर से फायरिंग करता है. तो अगर ए को नहीं लगता है तो क्या आप ये गारंटी कर सकते हो कि बी को भी नहीं लगेगा गोली? नहीं राइट. क्यों? Because the width तो दोनों का डिफरेंट हो सकता था. मतलब अगर आप फ्रंट व्यू, मतलब इधर साइड व्यू से अगर आप देखते तो आपको तो कुछ सिनेरियो डिफरेंट दिखता, कि आपको ऐसा दिखता कि मे बी आपको ऐसा दिखता कि ए इज दिस ब्रॉड, दिस इज ए, एंड बी का बाउंड्री अगर ड्रॉ करते तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते जिससे तो मे बी ये ऐसा कुछ होता है इसका डायमेंशन ऐसा हो सकता था ना, ये हो सकता था. यस yes. तो उस केस में बी को गोली लगता है या नहीं लगता? लगता. अब इसी चीज को तुम्हें यहाँ पे भी सोचना है ना, क्योंकि ये गोली ही तो जा रहा है ना, फील्ड लाइंस क्या है, गोली ही तो है. yes, yes, अब सोचो. नाउ थिंक ऑफ सर. हाँ एक एक करके बोलिए. कौन बताना चाह रहा है? चिराग बताना चाह रहा है? यस सर, आई थिंक इट विल बी द सिलेंडर व्हिच विल हैव द मैक्सिमम एंटरिंग फ्लक्स. क्यों? रीजन जस्टिफाई करिए. So because the surface area of the cylinder is highest among the three shapes. Is exactly the total surface area important or something else? Your logic is again your answer is correct. Lateral surface area. Your answer is correct. Your answer is correct, but your reasoning is again mistaken. हाँ आप अद्रिजा कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं. सर मैंने नहीं बोला. अश्मी कुछ बोल रहे हैं बेटा? Yes, so the lateral surface area will matter for the cylinder. When you're saying lateral surface area, what do you mean over here? Except the two upper and the lower surface. नहीं ऐसा नहीं है. Lateral भी mean नहीं करता. आपका भी reasoning गलत है. अच्छा मैं आपको थोड़ा सा हाँ बताइए स्पंदन बताइए. सर जिस तरफ से फील्ड लाइंस आ रहे हैं हम उस तरफ से अगर देखें तो जो सरफेस दिखेगा एक रेक्टेंगल वही सबसे ज्यादा एरिया का होगा. हाँ मतलब आपको ये सोचना है कि आप जब थ्री डायमेंशनल चीजों को देखते हो तो आपको बेसिकली एक तरफ से कितना, जैसे ऐसे सोचो. अच्छा इसको ऐसे दिखाते हैं. जैसे ऐसे सोचो ये बॉटल है, दिस इज अ सिलेंडर नो राइट, दिस इज सिलेंडर. यस मतलब एक्चुअली आपको पता है बॉटल का शेप सिलेंडर है, बट आप बताओ मुझे अभी आपको क्या दिख रहा है, मतलब जस्ट क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल राइट. यू सी रेक्टेंगल, दिस इज दी लेंथ या ब्रेथ जो भी बोलो, एंड दिस इज दी हाइट राइट. Yes. यही तो है. इसको प्रोजेक्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन. आप क्या देख रहे हो, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, शैडो कास्टिंग की तरह है, शैडो कास्ट कर रहे हो. आप सोचो कि अगर इधर से इमेजिन करो कि मैं इधर से अपने हाथ से एक टॉर्च ले लूं और टॉर्च लेके क्या करूं, इस बॉटल के पीछे शैडो बनाने की कोशिश करूं,
तो बॉटल का शैडो थोड़ी ना सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा वो सिलेंडर? क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल राइट बाउंड्री का। वैसे ही अगर आप एक बॉल ले रखे हो हाथ में, बॉल ले रखे हो उसका शैडो कास्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल। सर्कल। एक कोन ले रखा आपने, कोन, एंड उसका शैडो कास्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल, दीज आर व्हाट यू विल सी। इसको प्रोजेक्शनल एरियाज कह रहे हैं। ये प्रोजेक्शन आपको किस तरफ लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ दिखा रखी है उसके परपेंडिकुलर, राइट, है ना? यस। यू गेट दैट? यू गेट दैट? Yes, sir. तो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक प्लेन कंसीडर करो और उस प्लेन पे आप इमेजिन करो कि आप शैडो कास्ट कर रहे हो। अब आप बताओ मुझे इसमें शैडो का एरिया किसका कैसा दिखेगा? सर्कल है रेडियस आर का, राइट, क्योंकि स्फीयर का सर्कल बन जाएगा। हाँ सर। तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, राइट? यस। ठीक है, और जो सिलेंडर है देखो, सिलेंडर का हाइट अगर देखोगे तो सर्कल के डायमीटर से मैच करता है, दिख रही है आपको सर्कल का हाइट? यस सॉरी, सिलेंडर का हाइट सर्कल के डायमीटर से मैच कर रहा है, डायग्राम देखो, दिख रही है? यस सर। इसका मतलब कि हाइट कितना हो गया? 2r। 2r, हां सर, 2r। एंड विड्थ इस सिलेंडर का कितना है? डायमीटर 2r। 2r। इसका मतलब एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन क्या बना? एक स्क्वायर बना, स्क्वायर, राइट। स्क्वायर मतलब कितना है? 2r into 2r, 4r स्क्वायर। एरिया बढ़ गया, यस बड़ा सर, समझ आई? यस। अब कोन का क्या बनेगा? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का भी हाइट देखो 2r है, दिख रही है? यस यस। एंड जो इसके विड्थ है देखो वो भी 2, मतलब विड्थ तो नहीं बोलना चाहिए, बेस बोलना चाहिए, बेस जो है वो 2r का है, दिख रही है? तो ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? हाफ बेस इनटू हाइट, कैलकुलेट करके दिखाया, बट इसको आप अगर डायग्राम ड्रॉ करते ना तो भी आपको इजीली समझ आ जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? इसमें प्रोजेक्शनल एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, आप देखो। सो प्रोजेक्शनल प्रोजेक्शनल एरियाज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन्स, ये जो ड्रॉ करने पे मिलेगी आपको, पहले तो एक स्क्वायर मिलेगा, ये स्क्वायर आप बना लो पहले, एक सर्कल इसके अंदर फिट करना है मुझे, सो दिस इज द सर्कल and this is the triangle, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, देखो ठीक है ना? अभी देखो आप डायग्राम में क्लियरली समझ आ रहा है नहीं आपको? देखो तो हाँ सर, yes, सबसे ज्यादा सबसे देखो ये वाला जो रीजन है, देखो यहाँ से कुछ लाइन्स पास करेंगे ये वाला रीजन में, देखो जो किसी के थ्रू पास नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के थ्रू पास कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? देखो दिख रही है? देखो मैंने जो डॉटेड लाइन से डॉट कर रखा, देखो डॉट्स बनाए, देखो वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिलेंडर में पास कर रहा है और बाकी किसी में पास नहीं कर रहा है। कोन में जितने भी लाइंस पास कर रहे हैं और सर स्फीयर में जितने पास कर रहे हैं वो सारे सिलेंडर के थ्रू ही पास कर रहे हैं, डू सी दैट? हां सर। तो इसीलिए स्फीयर का सबसे ज्यादा सॉरी सिलेंडर का सबसे ज्यादा हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि उसका लैटरल सर्फेस या कर्व्ड सर्फेस या एक्चुअल सर्फेस एरिया ज्यादा है या नहीं है, प्रोजेक्शनल एरिया ज्यादा है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। ये समझ आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सो प्रोजेक्शनल एरिया इज इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसीलिए आपको ये समझ आना चाहिए था कि सबसे ज्यादा आपका जो फील्ड लाइन है वो आपका पास करेगा सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के थ्रू यहाँ पे, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू स्फीयर ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू कोन हो जाएगा। क्या बेटा कुछ बोल रहे हैं? सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स। हाँ, ये एंटरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? एग्जिटिंग के लिए भी सेम लॉजिक यूज होगा, है ना? हाँ। एंटरिंग बोले या एग्जिटिंग बोले दोनों के लिए सेम लॉजिक यूज होगा। हाँ, नेट के लिए बात कर रहे हैं तो फिर जितने लाइन एंटर कर रहे हैं उतने बाहर भी निकल रहे हैं, इसीलिए टू डायमेंशनल डायग्राम जो है थोड़ा मिसलीडिंग था यहाँ पे, है ना? क्योंकि आपको क्या लग रहा था, आपको सॉरी आपको इस डायग्राम देख के ये लग रहा था कि जितने लाइन एंटर कर रहे हैं स्फीयर के थ्रू उतने ही लाइन तो सिलेंडर में भी जा रहे हैं, उतने ही लाइन किसके कोन के थ्रू भी जा रहे हैं,
बट आपका प्रॉब्लम यही है कि आप थ्री डायमेंशनल डायग्राम को टू डायमेंशन में ड्रॉ करके फिर उसी को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप साइड व्यू से देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हो सकता है दोनों की विड्थ अलग अलग होती. जैसे ही वो सोचते तो अपने आप ही आंसर मिल जाता आपको. ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन है? किसी को? चलो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है. चलो, वी हैव कवर्ड, यू नो, एटलीस्ट ये पहला सेक्शन मैंने कवर कर लिया कि किसमें कितना फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, ये बता दिया, निकालना सिखा दिया आपको. अब हम आगे ये सीखते हैं कि किसमें कितना फ्लक्स होता है, वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं. अब ये वाले पार्ट पे मूव करेंगे. ठीक है, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स पे आ रहे हैं. अब अमाउंट पे इंटरेस्टेड है, कितना? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. हाँ सही. अब इसका मतलब क्या है ये तो आपको शायद नहीं पता होगा. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. देखो, मान लो कि हमें कोई भी एक सरफेस दे रखा है, कोई भी एक रैंडम सा सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं. दिस इज एनी रैंडम सरफेस, किसी भी शेप का है. इस सरफेस के थ्रू मान लो आपकी फील्ड लाइंस आपको पता है, मतलब हर जगह का फील्ड का स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, सब कुछ आपको पता है. मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये आपको लोकेशन में हर जगह पे पता है. एवरी लोकेशन ऑन दिस सर्फेस द वैल्यू ऑफ फील्ड इज नोन टू अस. फील्ड लाइंस को डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस ड्रॉ नहीं किया है. ये जस्ट आपको थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाने के लिए कि जो नीचे से आ रहा है फिर ऊपर से निकल रहा है. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि फील्ड लाइन को मैंने बीच में डिसकंटिन्यूअस कर दिया है. डिसकंटिन्यूअस नहीं है. अब इसके सरफेस पे क्या करते हो, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया चूज करते हो. व्हाट यू डू इज यू चूज अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया फॉर इट. एलिमेंटल एरिया इसलिए चूज करने की जरूरत है क्योंकि सरफेस का जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो सरफेस पे हर जगह डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है ना? और उस सरफेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी आपकी डिफरेंट हो सकती है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया चूज करना है. और ये एलिमेंटल एरिया के थ्रू जब आप फ्लक्स निकालोगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि सरफेस का एक नॉर्मल को आप डायरेक्शन देंगे. सरफेस का नॉर्मल का डायरेक्शन आप किसी भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हो. अगर ये ओपन सरफेस है, मतलब या तो सरफेस के नॉर्मल में जब आप ड्रॉ करोगे तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करो या नीचे की तरफ ड्रॉ करो, उसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि उसमें नेट काउंट ऑफ, यू नो, नेट फ्लक्स कितना है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. बट हाँ, अगर ये क्लोज सर्फेस है तो क्लोज सर्फेस के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, क्लोज सर्फेस के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि सर्फेस का आउटवर्ड नॉर्मल को ही हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चूज किया जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये मैं एक सरफेस की तरह दिखा रहा हूँ. सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे और इसको मैं एलिमेंटल एरिया डीए वेक्टर कह रहा हूँ. ठीक है, एलिमेंटल एरिया डीए वेक्टर है. और इस एलिमेंटल एरिया के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको टेंजेंट पे आपको मिल जाएगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई वेक्टर दिखा रखा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इस सरफेस के थ्रू एलिमेंटल एरिया जो दिखा रखा है मैंने, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया का लिखेंगे. फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया डी ए वैक्टर इज, इसको डी फाइव लिखेंगे. डी फाइव विल बी ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर लिखेंगे. एंड अगर नेट फ्लक्स निकालनी तो बस इसी को इंटीग्रेट करनी है आपको. तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए, नेट फ्लक्स निकालनी है आपको, तो ये फाइव लिखेंगे और इसी को आप इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव लिखेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी करेंगे. अब ये इस चीज पे आते हैं कि why did somebody define the electric flux as dot product of electric field and area? क्यों किया किसी ने? क्यों किया, अब उसके बारे में बात करते हैं. आपको याद है जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे होती है, कहीं पे भी जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम बेसिकली लाइन का डेंसिटी देख के निकालते थे, याद है? मतलब कहाँ पे ज्यादा फील्ड है, कहाँ पे कम फील्ड है. कहीं पे अगर लाइन का डेंसिटी ज्यादा होता था तो हम कहते थे वहां पे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है. रिमेम्बर? हां सर. यस सर. इसी वजह से हम उसको एक और नाम भी दिया था, हमने फ्लक्स डेंसिटी भी बोला था, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी बोलते थे. यस, यू रिमेम्बर दैट? तो अगर सोचो सपोजली ये एरिया वेक्टर, सपोजली ये एरिया वेक्टर के साथ सोचो अगर थीटा का वैल्यू जीरो होता, सपोजली ये जो डीए वेक्टर मैंने दिखा रखा है, इस डीए वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा होता, थीटा सपोजली जीरो डिग्री है, तो ई डॉट डीए को हम सिंपली ईडीए लिख सकते थे.
ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो जाता। तो देखो e का वैल्यू d5 by d आता है या नहीं, d5 by d है yes। और ये फ्लक्स डेंसिटी हो गया नहीं, yes sir, yes sir, राइट। अगर इमेजिन करो थीटा 90 डिग्री होता, मतलब ये ग्रेजिंग लाइन होता, जस्ट ग्रेजिंग लाइन की बात कर रहे हैं, समझ आ रही है? तो उस केस में देखो कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन तो नहीं आता ना, आता क्या? नहीं सर। अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 होती तो फील्ड लाइन पैरेलल टू सरफेस हो जाता, राइट? यस। और अगर पैरेलल टू सरफेस होता तो d5 कितना आता, 0 आता या नहीं आता? यस आता। तो ये फिट बैठ रहा है यानी डेफिनेशन पे। तुम अगर देखो यहां पे एक बार और देखो इसको, एक बार देखो तुम्हें ये वाली डायग्राम, चाहिए वाली डायग्राम को ही दिखा दो, ये वाला डायग्राम। इमेजिन करो कि इसी का है ना, इसी का मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आप इमेजिन करो कि एज एन ऑब्जर्वर इधर से आप देख रहे हो इसको, आप इधर से देख रहे हो, ठीक है? इसको फ्रंट व्यू कह रहे हैं। फ्रंट व्यू में आपको जो एक प्लेन सरफेस है वो कैसा दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा ना, है नहीं है? एक प्लेन सरफेस आपको फ्रंट व्यू से देखोगे कैसा दिखेगा, लाइन की तरह दिखेगा या नहीं? सबको ही बोलो, आपको समझ आ रही है तो हाँ या ना बोल दो कम से कम। यस ठीक है, तो आपको लाइन की तरह दिखेगी, तो वो लाइन जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट ड्राइंग दैट लाइन, आप देखो एक बार, जस्ट इंटरप्रेट करो उसको। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला हमारा लाइन है। एंड सिंस मैंने आपको बताया था इसमें कि मैंने डायमेंशन चेंज नहीं किया, बस इसको घुमा रहे थे, तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, दिस वॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे एक सर्कुलर आर्क में घुमा दिया, ये देखो ऐसा, डू सी दैट? हाँ सर। ठीक है, यस सर। इस सरफेस को अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता, इमेजिन करो अगर इसको ऐसे कर देते तो फिर सारे लाइंस ग्रेजिंग हो जाते, यानी yes, होते है ना? ये थर्ड सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज थर्ड सरफेस, तो इसको अगर यहां से ड्रॉ करो तो ऐसा दिखेगा, देखो, समझ आ रही है आपको? और लाइंस हमारा जो था हमने ऐसा ड्रॉ किया था, देखो ये हमारी फील्ड लाइंस थी, समझ आ रही है? तुम देखो, अगर आप देखोगे तो वर्टिकल सरफेस जो है, वर्टिकल सरफेस उसका एरिया अगर मैं ड्रॉ करता तो दिस वुड हैव बीन एरिया ए वन वेक्टर, सेकंड वाले सरफेस का अगर एरिया ड्रॉ करता तो दिस वुड हैव बीन द एरिया ए टू वेक्टर, एंड थर्ड सरफेस का अगर एरिया ड्रॉ करता दिस वुड हैव बीन द एरिया ए थ्री वेक्टर, समझ आ रही है आपको? सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो, यस सर, यस, सबको समझ आ रही है? ठीक है, आप देखो A2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखो, A2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखो, ये थीटा ड्रॉ किया हमने। तुम देखो ये थीटा ही बेसिकली 0 डिग्री है A1 के लोकेशन पे, A1 के लोकेशन पे थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री है, दिख रही है? और जैसे जैसे ये सरफेस को मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ करता गया, मतलब फील्ड लाइन के पैरेलल करता गया, तो एंगल बढ़ रहा था, एंगल बढ़ने से कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, नहीं घटती है? Yes, sir. And conceptually, हमको ये भी पता चल रहा है कि flux decrease कर रहा है, क्योंकि आप देखो lines कम pass कर रहे हैं ना, देखो आप देखो जैसे जैसे मैं theta की value को बढ़ा रहा हूँ, ये देखो ये angle theta, देखो ये angle theta, देखो ये theta की value को आप जैसे जैसे increase कर रहे हो, तो there are more number of lines which are passing through the lower part and upper part से कम जाएगा, समझ आ रही है? जैसे जैसे theta आप बढ़ाते चले जाओगे, समझ आ रही है? Yes, sir. और इस केस में आपका जो है वो फ्लक्स तो डिक्रीज कर ही रहा है, एंड जब ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, मतलब जब सरफेस प्लेन पैरेलल टू फील्ड लाइन हो गया, तब आपको कोई भी फ्लक्स नहीं मिल रहा है, तो इस केस में 90 डिग्री पे फ्लक्स जीरो मिल रहा है,
जीरो डिग्री पे मैक्सिमम मिल रहा है फॉर द गिवन सर्फेस, तो इससे तो ये क्लियर पता चलता है ना कि फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? तो इसी से उनको हिंट मिला कि यू नो कि यू नो डॉट प्रोडक्ट की तरह हमें फ्लक्स को डिफाइन करना चाहिए था, दैट इज व्हाट द हिंट वाज, ग्रेटेस्ट हिंट वही था. एंड इस तरह के सरफेस में जहां पे फील्ड आपको यूनिफॉर्म मिलती है, देखो जहां पे भी फील्ड आपको यूनिफॉर्म मिल रही है, एनी सरफेस जहां पे आपको फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मिलेगी, तो वहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना काफी आसान है आपके लिए, काफी आसान है. कैसे? देखो अगर मुझे किसी भी प्लेन सरफेस, कोई भी, जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे पहले ट्रायंगल के लिए मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ आएगा. ट्रायंगल नहीं मतलब प्लेन सरफेस के थ्रू दिखा देता हूँ, फिर इसको जनरलाइज करके भी आपको समझाऊंगा. जैसे मान लो ये वाला सरफेस ही हम कंसीडर कर लेते हैं, ये रहा देखो. So, इसमें तो आपको ऑलरेडी समझ आ रहा है कि दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम है हमारा, ये तो समझ आ ही रहा है आपको, ये ऑलरेडी सम डिस्कशन कर लिया हमने, ये फर्स्ट सरफेस और ये जो स्लांट सरफेस है ये हमारा सेकंड सरफेस, समझ आ रही है? इन दोनों के थ्रू फ्लक्स तो सेम ही है, राइट? ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली एक बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं. लेट अस से कि एंगल हमारा थीटा है, ठीक है. अब इसी को अगर आप इधर से फ्रंट व्यू से देखोगे, अगर इमेजिन करो आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू अगर ड्रॉ करते हैं इसका, तो कैसा दिखता आपको? फ्रंट व्यू पर ड्रॉ करें तो फ्रंट व्यू में अगर ड्रॉ करोगे तो ये एक वर्टिकल लाइन और यहां से ये एक इंक्लाइंड है, ये इससे कनेक्टेड है और फील लाइन ऐसे निकल रहे हैं आपके, देखो तो यही है ना सिनेरियो? हाँ सर. ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो एक्चुअली व्हिच इज हैपनिंग. देखो पिछले ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या है? जो ऊपर वाला डायग्राम है, ऊपर वाले डायग्राम में एरिया ऑफ सरफेस फिक्स है, उसकी ओरिएंटेशन बस चेंज कर रहे हैं, बट दूसरा वाला जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें एरिया ऑफ सर्फेस फिक्स नहीं है, दिख रही है आपको? है ना, समझ आ रही है आपको? Yes, समझ आ रही है आपको? ऊपर वाले और नीचे वाले को कंपेयर करो, देखो आपको डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है ना? हाँ सर. ठीक है, अब देखो इसको एक बार मैथमेटिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स दोनों के थ्रू सेम आ रही है. ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस बार, कंसेप्चुअली तो हम समझ चुके थे, इस बार मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. इधर का एरिया इज ए वन वैक्टर एंड इधर का एरिया इज ए टू वैक्टर. एरिया हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू सर्फेस चूज करते हैं एरिया वैक्टर को. ठीक है, ऑब्वियस है ये वाला एंगल भी थीटा होगा, होगा ना? देखो एक बार चेक करो एंगल, मैंने थीटा सही मार्क किया है? हाँ सर. हाँ सर. कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर कैसे ऐसे थीटा मार्क कर दिया आपने, ये देखो ये वाली एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगी, तो ऊपर वाला ऑब्वियसली थीटा हो गया ना अपने आप, समझ आ रही है आपको? ठीक है. ओके, तो अगर मान लेते हैं कि सेकंड वाले सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, फाई टू निकालनी है, ठीक है, अब मैथमेटिकली ट्राई कर रहे हैं, अब हम कंसेप्चुअली नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं. तो अगर मुझे फाई टू चाहिए, सपोजली सेकंड सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, फाई टू लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या था याद है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए टू करेंगे, सही है? सही है, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ देखो एंगल हर जगह सेम ही है, आप एरिया वेक्टर कहीं पे भी चूज करो, डी ए कहीं पे भी चूज करो, देखो ये डी ए टू है, तुम कहीं पे भी चूज करते तो उसका जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो हर जगह थीटा आता है या नहीं आता?
आता है नहीं आता yes, sir. राइट तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते थे कुड दिस हैव बीन रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू डी ए टू इनटू कॉस ऑफ थीटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं एंड इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टू इनटू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं हाँ लिख सकते थे राइट अच्छा कॉस थीटा को भी बाहर निकाल सकते थे क्या यहाँ पे कॉस थीटा भी बाहर निकाल सकते थे एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टू कर लेते इंटीग्रेशन डी ए टू तो सिंपली ए टू हो जाएगा तो ये हो गया ई इंटू ए टू इंटू कॉस थीटा हो गया देखो दिख रही है आपको हाँ सर यस सर अब ए टू कॉस थीटा है क्या ए टू का प्रोजेक्शन देखो ए टू क्या था एरिया है बेसिकली ठीक है अगर मैं इसमें इसके यू नो डायमेंशन को चूज करूं लेट अस चूज सम डायमेंशन ताकि कैलकुलेशन हम कर पाए लेट अस से ये पी है परपेंडिकुलर के लिए मार्क कर रहे हैं या बेस कर लेते हैं ये बेस ऑफ ट्रायंगल है तो बी लिख लेते हैं ये बी है ये परपेंडिकुलर के लिए पी लिख लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूज के लिए एच लिख लेते हैं एंड इस डायमेंशन को एल लिख लेते हैं ठीक है अब बताओ मुझे A1 का वैल्यू अगर लिखे तो कितना आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ देखो तो BL हां सर ठीक है LB राइट यस सर एंड अगर A2 का वैल्यू लिखे तो कितना आएगा LH L into H L into H ठीक है ओके अगर मैं H और B का रिलेशन आपसे पूछूं क्या है H और B का रिलेशन B is H cos theta yes, राइट लेंथ एच का जो प्रोजेक्शन है वो तो बी है ना परपेंडिकुलर टू फील्ड दिख रहा है आपको यस सर ठीक है तो अगर मैं इसको यूज करूं तो सोचो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए वन को जो हम लिख रहे थे ए वन इज लेंथ इनटू एच कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं ठीक है हां सर क्या इसको ए टू कॉस थीटा लिखा जा सकता है यस सर इसका मतलब क्या निकला कि जैसे आप लेंथ का प्रोजेक्शन लेते हैं वैसे ही आप एरिया का भी प्रोजेक्शन ले सकते थे देखो जो स्लांट सरफेस है उस स्लांट सरफेस का अगर आपको पूछूं कि प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड कितना है तो क्या वो वही आपका A2 आता या नहीं आता सॉरी A1 आता या नहीं आता यस सर समझ आ रही है स्लांट सर्फेस का जो प्रोजेक्शन है वो तो वर्टिकल सर्फेस ही है आई यू अंडरस्टैंडिंग इट ठीक yes. है तो जैसे आप लेंथ का प्रोजेक्शन लेते हो ना सेम तरीके से आप एरिया का भी प्रोजेक्शन ले सकते हो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो दिस कैन बी रिटन एज ई इंटू ए वन अब लिख लिया है सर फाइव टू का एक्सप्रेशन में देखो मैंने ई इंटू ए वन लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया है ठीक है मैंने yes. इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या हम इसको सिंपली ई डॉट ए वन लिख सकते थे क्या क्योंकि ए वन और ई के बीच में देखो एंगल जीरो डिग्री है दिख रही है आपको तो देखो क्या ये मैच कर गया फ्लक्स इज दिस द फ्लक्स टू द फर्स्ट सरफेस आल्सो आया यस यस सर तो देखो इससे हमने क्या इंटरप्रिटेशन सीख लिया कि बेसिकली सेकंड सरफेस के थ्रू एंड फ्लक्स सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम है ये मैथमेटिकली प्रूव किया बट क्या हम ये चीज पहले ही नहीं समझ चुके थे कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सरफेस के थ्रू अगर सेम है तो दोनों का फ्लक्स सेम आना है ना यस यस सबको क्लियर हो गई क्यों डॉट प्रोडक्ट की तरह डिफाइन किया हमने yes. ठीक है इस चीज को ये जो प्रोजेक्शन वाली तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ट्रायंगल के लिए जरूरी नहीं यूज कर सकते मतलब ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप का या ना यहाँ पे एक सर्फेस बना रखे दिखा रहे हैं अगर इमेजिन करो कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ इमेजिन करो कि ये ऐसा नहीं हो कि अगर ऐसा एक सर्फेस होता इमेजिन करो ऐसा तो क्या हमारा आंसर चेंज करता नहीं सर नहीं सर नहीं चेंज करता ना ये समझ आ रही है सबको क्योंकि देखो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस देखो दोनों के थ्रू सेम पास कर रही है नहीं कर रही है yes. तो येलो कलर का जो मैंने इरेगुलर शेप का बाउंड्री ड्रॉ किया है उस सर्फेस के थ्रू फ्लक्स निकालना इज इक्वेलेंट टू वर्टिकल सर्फेस के थ्रू फ्लक्स निकालना समझ आ रही है तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में आप काम कर सकते हैं अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता तो आप ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उस केस में तो हो सकता है कुछ लाइंस डिफरेंट डिफरेंट में पास कर जाते हैं जैसे अगर इमेजिन करो कि अगर ऐसा भी कोई लाइन होता है इमेजिन करो कुछ लाइंस ऐसे होते हैं
तो देखो ये तो वर्टिकल सरफेस के थ्रू पास कर रहे हैं बट स्लांट सरफेस के थ्रू नहीं पास कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? Yes. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप बातें कर सकते हैं बट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए नहीं कर सकते। तो आप ये याद रखिए कि कोई भी इरेगुलर शेप का सरफेस भी हुआ, कोई भी इरेगुलर शेप का सरफेस या रेगुलर शेप का सरफेस अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उसके थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड उस प्लेन सरफेस का एरिया के साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आई? समझ आई? हाँ सर। ठीक है, ये देखो इस कंसेप्ट को अगर यहां यूज करें तो देखो यहां पे ऑलरेडी हमने ये काम किया है ना, एंटरिंग फ्लक्स चाहिए तो एंटरिंग फ्लक्स में प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, सर्कल का मतलब हेमिस्फेरिकल के लिए क्या बन रहा था, सर्कल बन रहा था, सिलेंडर के लिए क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था, है ना? यस राइट। ये फिर इसके लिए कोन के लिए क्या बन रहा था, ट्रायंगल, ये तो हमने निकाला। तो अब ये सिलेंडर का फ्लक्स अगर मुझे चाहिए, न्यूमेरिकली चाहिए, तो न्यूमेरिकली इस फ्लक्स को कितना लिखोगे, सिलेंडर का फ्लक्स कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया एक्चुअल एरिया नहीं प्रोजेक्शनल एरिया, एंड प्रोजेक्शन कितना था उसका, 2r into 2r था ना? यस। स्फीयर के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया एक्चुअल एरिया नहीं प्रोजेक्शनल एरिया, प्रोजेक्शनल एरिया क्या है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। कोन के लिए ट्रायंगल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इनटू हाइट। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी भी यूनिफॉर्म, ये जो कंसेप्ट आपको बताया प्रोजेक्शन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में ही लगेगा, ये मैं मेंशन करती हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए। इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग आउट द फ्लक्स थ्रू एनी सर्फेस रेगुलर और इरेगुलर शेप्ड, रेगुलर और इरेगुलर शेप्ड, वी कैन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द सर्फेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू इट, फ्लक्स थ्रू इट, एंड दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर एज द काउंट ऑफ लाइन्स passing through both will be same। ठीक है, ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ध्यान रखिएगा। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे, मतलब एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब मैंने तो बोला आपको सरफेस के नॉर्मल में आपको डिफाइन करना है, डायरेक्शन एरिया तो मैग्नीट्यूड एक होगा और एक डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड आप निकालने के लिए वही काम करेंगे जो पहले से करते आए हैं, जिस भी शेप का है वैसे एरिया ले लेंगे, डायरेक्शन के लिए आपको बस आपको यू नो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल डिफाइन कर लेना, मतलब अगर क्लोज सर्फेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल और अगर ओपन सर्फेस है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे मैं आपको एक और ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ प्रोजेक्शन, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसके थ्रू कुछ लाइंस हमने पास करा के दिखा रखे हैं और इसके थ्रू हमें फ्लक्स पूछा गया है, एंटरिंग मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिखाना है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें यू नो प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। देखो तो प्रोजेक्शन ऐसा ही कुछ बनेगा, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? यस सर। So this is the projection perpendicular to the field. This is the projection perpendicular to the field. तो अब अगर कोई मुझे कितनी लाइन एंटर कर रही है या कितनी लाइन मतलब कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है या कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो आप आराम से श्योर होकर बता सकते हैं कितना, ये क्या दिख रहा है आपको, जो मैंने शेड करके दिखा रखा है वो क्या है, सेमी सर्कल प्रोजेक्शन है ना, है नहीं है? Yes, sir. What is it? This is a semicircular projection.
this is semicircular projection. And semicircular projection है, इसका मतलब यहाँ पे flux अगर निकालनी है, flux entering, so entering hemispherical bowl, hemispherical bowl is equal to electric field into pi r square by 2. I hope सबको clear हो रही है. Clear हो रही है सभी को? Yes sir. ठीक है. अगर यही अगर imagine करो इसी में बना देते हैं. मान लो यहाँ पे ही इसको extend कर देते हैं. ये डायग्राम थोड़ा आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे. वैसे तो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, बट इसमें थोड़ा ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे आप, इसलिए मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको. देखो आपको समझ आ रहा है ये क्या बना रहे, टैंगल बना या नहीं? देखो तो दिस इज द डायमीटर विच इज 2r एंड दिस इज द प्रोजेक्शन, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे. So flux entering the cylindrical surface is equal to electric field into projection is 2r into h. देखो सबको समझ तो आ रही है? Yes sir. Yes sir. कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप आराम से पूछ लो, मुझे हेजिटेशन नहीं है बताने में, बट प्लीज आप इन सब चीजों को समझ लो, क्योंकि फिर बाद में फिर यू नो इन सब चीजों पे फिर डिस्कशन नहीं करेंगे. इतना टाइम लेके आपको बता रहा हूँ. देखो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लक्स का बेसिक चीज ही सिखाया है, अभी कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे नहीं गए हैं. अभी आगे बढ़े सर. हाँ सर, ये तो क्लोज सरफेस है क्या? ये कौन सा अगर किसी देखो जैसे अगर तुम एक बाउल को जैसे सपोजली तुम एक बाउल को साइड से देखते हो, टॉप से नहीं देखते हो, तो तुमको क्या पता चलता है वो ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? तो, नहीं सर, नहीं पता चलता. वैसे तो तुम्हारे लिए वो क्लोज सरफेस के जैसा ही हो गया, क्योंकि कोई भी लाइन अगर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें तो वापस से क्लोज सरफेस का कंसेप्ट आ गया ना. तो इसलिए स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पे अगर जा रहे हो तो फिर वहां पे एक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो. अगर कोई भी लाइन अगर दो बार इंटरसेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है तो वहां पे आपको डेफिनेशन जो है वो क्लोज सरफेस वाला यूज करना पड़ेगा. समझ आ रही है? ठीक है. अच्छा, मैं एरिया वेक्टर को मैंने आउटवर्ड नॉर्मल पे लिया था, ये मैंने शायद लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. ठीक है, या मैं लिखना भूल गया था. डी डायरेक्शन ऑफ DA vector will be perpendicular to surface and along outward normal for closed surface. ये बस area vector कैसे choose करना है उसका ये. चलो अभी काफी part हमने cover कर लिया, flux के लिए basic चीजें आपने सीख ली है. अब आगे फ्लक्स से इंपॉर्टेंट जो लॉ है उस पे चलते हैं, गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ क्या कहते हैं पहले वो आपको बता देता हूं. गॉसेस लॉ ये कहता है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस,
This comes out to be proportional to the net charge enclosed within the surface. ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, सोच के अब बताओ, क्या आप ये समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? अगर समझ रहे हो तो मुझे भी समझाओ सर, एक बार बोलेंगे स्टेटमेंट। The net, मैं बोल रहा हूँ, देखो लिख भी रहा हूँ, the net electric flux through any closed surface होना चाहिए, ये mandatory है, ठीक है? Law use करेंगे तो closed surface के लिए है। The net electric flux through any closed surface is proportional to the net charge enclosed within the surface. ये logical है या illogical है, मतलब ये experimental है, ये बताओ मुझे, मतलब just कोई ऐसा law है जो experiment करने के बाद ही पता चला या logical है? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। Logical है। कैसे justify करिए? सर क्योंकि अगर क्लोज चार्ज के बाहर कोई क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज, तो फिर उसके लिए तो नेट फ्लक्स जीरो आता है क्योंकि जितना अंदर है उतना बाहर जा रहा है। गुड, तो अगर कोई क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है वो अंदर के चार्ज के लिए ही होना चाहिए, ठीक है? बट अगर अंदर वाला चार्ज, अगर सपोजली मैं बोल रहा हूँ कि अंदर वाला चार्ज, मान लो कि अंदर वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज क्यों नहीं है या स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज क्यों नहीं है, इसको क्यों लिया? मतलब ये ठीक है कि अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज ये क्यों बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नेट चार्ज क्यों नहीं या स्क्वायर रूट ऑफ नेट चार्ज क्यों नहीं? फ्लक्स तो सर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिर्फ चार्ज का पावर वन। आपको आपको याद है एक चीज कि हमने जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि जो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस किसी चार्ज से हम दिखाते हैं वो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है, याद है? और यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या फाउंड आउट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएट कर रहे हैं आप उस सरफेस से, यही तो है ना? तो अंदर में जितना चार्ज होगा, अगर मान लो कि अंदर में 10 कूलम का चार्ज पॉजिटिव है और 10 कूलम का चार्ज नेगेटिव भी है, तो 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज से जितने लाइन बाहर निकलेंगे उतने ही लाइन तो नेगेटिव चार्ज से अंदर भी तो आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? Yes. तो ये कंसेप्चुअल है या नहीं, आप सोच के बताओ मुझे। Yes, this is conceptual, right? Yes. अगर मान लो कि 10 कूलम का चार्ज से 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा है एंड 5 कूलम का नेगेटिव चार्ज रखा है, तो 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज से जितना फील्ड लाइन निकलेगा 5 कूलम का नेगेटिव चार्ज से उसका आधा नंबर ऑफ लाइन निकलेगा या नहीं निकलेगा? Yes. समझ आ रही है? तो इस केस में नेट जो फील्ड लाइन बाहर निकला वो नेट चार्ज जो है वो 10 कूलम माइनस 5 कूलम उसी के प्रोपोर्शनल आया ना? Yes. समझ आइए, तो ये तो बेसिकली क्या है, कंसेप्चुअल है, दिस इज मोर ऑफ कंसेप्चुअल है, उसके बाद फिर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में प्रोड्यूस करना ये एक बेसिकली गॉस का काम है, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसमें प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आती है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती है दिस कम्स आउट टू बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये याद रखना है आपको। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस विद अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आती है, ठीक है? इसको बस आपको याद रखनी है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको मैथमेटिकली जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखते हो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तुम इंटीग्रेशन के ऊपर देखोगे तो ऐसे गोल सा सर्कल बनाया है, ये गोल सा सर्कल बनाने का मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन करना है, मतलब आपको जहां से स्टार्ट करना है घूम के वापस आना है उसी जगह पे, और ये तभी हो सकता है जब सर्फेस क्या हो, क्लोज हो। ओपन सर्फेस में क्या आप कभी भी घूम के वापस उसी जगह पे आ पाएंगे? नहीं। समझ आ रही है आपको? मतलब आपको हर जगह कवर कर लेना है, पूरा का पूरा सर्फेस कवर कर लेना है हर जगह पे। सो इसकी वैल्यू जो आती है दिस कम्स आउट टू बी चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली गॉसस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है? यहां पे हियर क्यू इनक्लोज्ड इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस अंडर कंसिडरेशन, और इस सरफेस को कॉमनली हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, consideration commonly known as Gaussian surface commonly
known as Gaussian surface. ठीक है ओके okay. इसमें देखो एक चीज आप सोच के बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम जैसे हमने राइट साइड में तो देख रहे हैं, ठीक है राइट साइड में जो दिख रहा है हमें कि Q enclosed is the net enclosed charge within the surface, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर दिखा रखा है ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले का या बाहर वाले का या सबका इलेक्ट्रिक फील्ड है? सबका. क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन तो सब चार्जेस के लिए ही पास करेगा ना, इसलिए फ्लक्स. क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो E डॉट dA जब हम लिख रहे हैं तो ये एलिमेंटल एरिया dA के थ्रू फ्लक्स है या नहीं है? E डॉट dA में E डॉट dA इज द फ्लक्स d phi थ्रू द एलिमेंटल एरिया dA, और एलिमेंटल एरिया dA के थ्रू तो फ्लक्स सबको ही करेगा, है या नहीं है? जैसे अगर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा लिख के समझाता हूँ तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा. जैसे इमेजिन करो कि ये कोई भी एक बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, मान लो ये कोई भी एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रखा है, एंड इस क्लोज सरफेस के बाहर में कुछ चार्जेस है, मान लो प्लस क्यू वन, यहाँ मान लो माइनस क्यू टू, यहाँ मान लो प्लस क्यू थ्री, यहाँ मान लो माइनस क्यू फोर है, ठीक है, ऐसे चार्जेस हमने दिखा रखे हैं. अब इस चार्जेस की वजह से इतना तो आपको पता चल रहा है कि Q1 और जो माइनस क्यू फोर दिखा रखा है उसका कोई नेट फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ सकता है, ये पक्का है. बट अगर मैं ये बोलूं कि कोई एलिमेंटल एरिया अगर हम चूज करें, कोई भी एक एलिमेंटल एरिया चूज करो, जैसे यहाँ पे मान लो आपने एक एलिमेंटल एरिया चूज किया, लेट अस से दिस इज द एलिमेंटल एरिया dA वेक्टर, तो इस dA वेक्टर पे सोचो, इस dA वेक्टर पे क्या Q2 का फ्लक्स नहीं होगा? सोचो क्या Q2 का फ्लक्स नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा. क्या Q1 का फ्लक्स नहीं होगा? यस होगा. क्या Q3 का फ्लक्स नहीं होगा? वो भी होगा. हां सर होगा. क्या Q4 का फ्लक्स नहीं होगा? होगा सर. हां होगा सर. आपको देखो, आपको ये जो अंदर या बाहर जितने भी चार्जेस हैं सबका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन उस एलिमेंटल एरिया dA के थ्रू है. आर यू गेटिंग इट? समझ आ रही है? यस सर. इन सब का मिला के एक रिजल्टेंट फील्ड होगा डेफिनेटली. इन सब का मिला के एक रिजल्टेंट फील्ड होगा डेफिनेटली होगा. जैसे यहाँ पे ये जो Q1 वाला चार्ज है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, Q2 वाला जो चार्ज है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक E2 था, Q3 वाला जो चार्ज है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड E3 था, Q4 वाला जो चार्ज है उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E4 था. इन सब का वेक्टर रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. और ये इन सब का जो वेक्टर रिजल्टेंट आया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये जो इन सब का वेक्टर रिजल्टेंट आया इसी को हमने E वेक्टर कहा है. समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो इसलिए इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे कि E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट में E वेक्टर किसका फील्ड है, क्या यह अंदर वाले का फील्ड है या बाहर वाले का फील्ड है या सबका फील्ड है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबका फील्ड है. बट जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो ओवर द क्लोज सर्फेस तो बाहर वाले चार्ज का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लक्स का जो आता है वो जीरो आ जाता है. समझ आई? इंटीग्रेट करने के बाद. Do you understand this? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. So ये चीज का ध्यान रखेंगे कि clearly E vector is the net electric field. E vector is the net electric field at the elemental area. dA vector and hence it is due to enclosed as well as outside charges. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. E vector is the net electric field due to enclosed as well as outside charges. Okay. देखो ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया है इस सरफेस का शेप इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए, अगर मैं इसका फ्लक्स निकाल रहा हूं तो, या सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज इंक्लोज है बस वो इंपॉर्टेंट है? कैसा चार्ज है? ना तो इसका शेप इंपॉर्टेंट है ना तो साइज इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज द चार्ज इंक्लोज इज अनचेंज्ड, राइट? यस सर. है ना? ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है इस सरफेस को हम कह रहे हैं दिस इज गॉशियन सरफेस. दिस इज गॉशियन सरफेस.
और इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज इनक्लोज्ड कितनी है आपकी, Q3 माइनस Q2 एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. यस सर. तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है कितना है, तो अगर आपको चार्ज इनक्लोज कभी भी पता चल जाए कितना है सरफेस के अंदर, तो हमेशा यही तरीका ही अपनाना फ्लक्स निकालने के लिए, ई डॉट डी ए करके अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करना. समझ आ रही है आपको? ई डॉट डी ए करने के लिए तो आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ मेहनत ही नहीं, बस देख लो कितना चार्ज इनक्लोज है एंड चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन करो, काम खत्म हो गया. ठीक है? ठीक है. यस क्या गॉसियन सरफेस का सिमेट्रिकल, यू नो जैसे अगर कोई बोले कि गॉसियन लॉ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है, तो क्या सही कह रहा है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सिमेट्रिकल सरफेसेस, ऐसा कुछ चूज करना है आपको? अगर आप देखोगे तो मैंने ना तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस डायग्राम में सिमेट्रिकल रखा है, ना तो शेप ही कुछ सिमेट्रिकल ड्रॉ किया है. दिख रहा है आपको? ठीक है. तो गॉसियन लॉ कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ शेप एंड साइजेस ऑफ यू नो गॉसियन सरफेस. और ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ये कोई भी एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी शेप. जरूरी नहीं है कि कोई एक सर्फेस सच में ड्रॉ करना है, मतलब यू नो सर्फेस एग्जिस्ट करना है. जैसे बोले कि सर यहाँ तो कोई कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है, इन कंडक्टर इंसुलेटर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ. मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक इमेजिनरी बाउंड्री आप ड्रॉ करके उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ करके. So Gauss's law is applicable for all kinds of shapes and sizes of Gaussian surface. It need not be symmetrical. And also the charge distribution need not be symmetrical. इतनी बातें क्लियर है तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं. हाँ बोलिए बेटा. बोलिए. स्क्रीन फ्रीज हो गया लगता है. ओहो हो. अच्छा अच्छा. हाँ सर. हाँ हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गया, पता चल रहा है मुझे. जस्ट अ सेकंड. ये काफी देर से छूट गया ना हमारा कनेक्शन. कहाँ पे कटा था? मुझे लगता है शायद यहाँ पे ना, सिमेट्रिकल जहाँ पे लिखा था मैंने वहां से, है ना? हाँ सर. राइट. अच्छा ठीक है, ज्यादा मिस आउट नहीं हुआ है. सब थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का. अगर रिकॉर्डिंग कभी आपको दिखता है ऑफ दिख ही रहा है स्क्रीन में, क्योंकि आपको तो पता चल जाता है कि स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक बार जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए. रिकॉर्डिंग में पॉज इसलिए कर देता हूँ क्योंकि फिर क्या है ना कि कभी कभी कनेक्शन में लेट होता है, तो काफी ब्लैंक वीडियो रहता है उस वक्त. ये देखो मैं ये बताने की कोशिश कर, अच्छा एक छूट गया शायद, एक और ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो अब आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था. देखो नीचे में चार क्यूब दिख रहा होगा और ऊपर में भी चार क्यूब दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ सर. और ये सारे क्यूब के लिए जो चार्ज है क्यू, ये कॉर्नर पे ही है, दिख रहा है? यस है ना.
तो yes. सारे सारे जो क्यूब हैं इंडिविजुअली सबका कंट्रीब्यूशन अगर सेम है तो ये बड़े क्यूब में अगर मैं बात करूं बड़े क्यूब में नेट फ्लक्स कितना है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट तो एक छोटे क्यूब का फ्लक्स कितना हुआ क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हुआ या नहीं हुआ क्योंकि 8 क्यूब टोटल है हां सर समझ आई क्या कह रहा हूं मैं यस सर राइट सो दिस कुड हैव बीन रिटन एज मतलब अगर मैं नेट फ्लक्स अगर क्यूब के थ्रू निकालता फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर नेट निकालते तो दिस वुड हैव बीन 1/8 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट एंड ये आपको पता है 6 फेसेस में डिवाइडेड है बट इक्वली डिवाइडेड नहीं है तीन सर्फेसेस है 5-1 वाले और तीन सर्फेसेस है 5-2 वाले जो तीन टचिंग फेसेस है उन सब का क्या है जीरो है ना राइट तो 5-2 कितना आ गया तो 5-2 आ गया 1/3 ऑफ 1/8 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज 1/24 इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था अभी देखो जो मैंने आपको अरेंजमेंट बोला कि बेसिकली आपको ये इसको यू नो एक इनक्लोज करने के लिए आपने 8 क्यूब टोटल लिए 7 और लिए मतलब एक तो दिया हुआ था बट 7 और लिए और उसके बाद फिर उसको क्लोज कर दिया क्लोज करने के बाद जो डायग्राम बना वो तो ये था राइट यही था ना हाँ सर यस सर चेक करो तो हमें फ्लक्स कौन सा निकालना था क्या हमें ये वाली फ्लक्स निकालनी थी क्या देखो वो वी सपोज टू फाइंड आउट दिस फ्लक्स यस निकालना था नहीं हमें ये वाला yes. समझ आ रही सबको यही वाली हमें निकालनी थी हाँ सर अब एक चीज सोच के बताओ ये जो येलो शेडेड रीजन है उसका फ्लक्स तो आपको पता है कितना है 1/6 एप्सिलॉन नॉट 1/6 टाइम्स ऑफ क्यूब एप्सिलॉन नॉट हां और ये येलो फेस में ऑरेंज फेस कितने हैं चार हैं यानी चार हां तो कितना होना चाहिए था 1/4 ऑफ 1/6 ऑफ एप्सिलॉन नॉट यस सर यस डिड यू अंडरस्टैंड यस सर देखो सेम आंसर आ रहा है यानी देखो तो आ रहा है सेम तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 ऑफ 1/6 टाइम्स ऑफ q बाय एप्सिलॉन नॉट डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग इट यस सर यस सर एकदम बिल्कुल इसमें आपको विजुलाइजेशन ही सोचना पड़ेगा कि जैसे लाइंस का अरेंजमेंट कैसा है किसमें सेम जा रहा है किसमें डिफरेंट जा रहा है तो बस ये अगर आप विजुलाइज कर पाओगे तो इतना मुश्किल नहीं आएगा इस सब चीजों में लेट अस सी वन मोर क्यूब फिर से ड्रॉ करना है फिर से मान लेते हैं हमने यहाँ पे इस बार यहाँ पे फेस सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब प्लस क्यू दिस इज एट फेस सेंटर ठीक है फेस सेंटर पे एक चार्ज रखी हुई है अब इसकी वजह से हमें ये बताना है कि फ्लक्स यहां पे कितना आएगा मान लेते हैं ये वाली सरफेस एक दिखा रखी है और ये एक सरफेस दिखा रखिए इन दोनों का फ्लक्स को मान लेते हैं कुछ एक 5-1 5-2 मान लेते हैं लेट्स से दिस इज 5-1 एंड लेट्स से दिस इज 5-2 आपको रिलेशन बिटवीन 5-1 एंड 5-2 बताना है रिलेशन बिटवीन 5-1 5-2 एंड q ये कितने आएगा बताइए रिलेशन बता सकते हैं सर 5-1 प्लस 5-2 इक्वल टू क्यू बाई नहीं सर दो मिनट रुक जाइए हाँ सर अब मैं बोलने का कोशिश करूँ बोलो बोलो सर 5-1 इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Phi 1 equal to Q by 2 epsilon naught, but फालतू का बात कर रहे हो। Phi 1 plus 2 Phi 2. Phi 1 plus 2 Phi 2, पक्का? सही तो लग रहा है। सर। सर बताऊं? बोलो बेटा। सर मुझे लग रहा है Phi 1 is equal to Phi 2 है। But
ये तो पक्का है, देखो phi 2 जो जो एक सरफेस phi 2 है वो तो क्लोजर है, देखो आप क्यों बोल रहे हो phi 1 इक्वल टू phi 2 होगा, बताओ बताओ क्यों क्यों बोल रहे हैं phi 1 इक्वल टू phi 2 होगा? नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो फिर फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। phi 1 greater than phi 2। आप देखो एक चीज लॉजिकली सोचो, आपको चार फेस ऐसे दिखेंगे जिसमें फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल दिखेगा। चार फेस ऐसे हैं, कौन सा? दो वर्टिकल सरफेस को छोड़ दो, बाकी जो चार सरफेस हैं, नहीं दो वर्टिकल सरफेस मतलब एक जिसको phi 1 मार्क कर रखा है और एक और जो चार्ज क्यू को कंटेन करता हुआ फेस है, उन दोनों को छोड़ के बाकी चार देखो, उससे देखो चार्ज क्यू से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो तो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? हाँ सर। यस सर। तो चार सरफेस में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, phi 2 तो चार बार होगा और phi 1 एक बार होगा, होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। और इससे इस पॉइंट चार्ज से जितने फील्ड लाइन राइट की तरफ जाएंगे उतने ही फील्ड लाइन तो लेफ्ट की तरफ भी जाएंगे, जाएंगे नहीं? राइट यस सर। तो इस केस में अगर अगर सोचो कि आपको सिमेट्रिकल मतलब वो जो मैं आपको सिखा रहा था कि नो कि आप सिमेट्री में अपनी तरफ से फिगर्स और ऐड किया करो, तो अपनी तरफ से ऐड कर दिया ये एक और, तो आप सिमेट्री देखिए तो कह सकते हैं ना कि दोनों क्यूब में फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होगा, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। और फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन सेम अगर क्यूब में, तो अगर क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं तो ये हम श्योर होकर लिख सकते थे क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, बट ये डिवाइडेड कितने में? टोटल छह फेस में, बट उसमें से एक तो टचिंग फेस है, जिस फेस में चार्ज कंटेन करता है वो तो टचिंग फेस हो गया, तो उसमें तो ग्रेजिंग लाइन्स हो जाएंगे तो उसका नहीं आएगा, तो बाकी बचा कितना? पांच फेस का, तो एक हो गया phi 1 एंड बाकी हो गया 4 टाइम्स ऑफ phi 2, हो गया, दैट इज द रिलेशन। सो phi 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ phi 2 दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? एक और ट्राई करते हैं। ये मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है, इसकी साइड लेंथ एल दी हुई है हमें, मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन चार्ज है जिसको रैंडमली किसी भी ओरिएंटेशन से हमने इसको एंटर करा रखा है इसके थ्रू, ये ओरिएंटेशन दिया नहीं आपको, आपको खुद सोचना है कि कितने एंगल पे आपको चूज करना है। दे हैव गिवन अस दैट दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एंड इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का दिया हुआ है, एंड ये दिया है दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल, आपसे पूछा है मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू क्यूब कितनी होगी ये बताओ। बहुत आसान है, आपको फ्लक्स निकालने के लिए क्या बताया? चार्ज इनक्लोज, सबसे पहले सोचो कि चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, यही तो सोचना है ना आपको। मैक्सिमम फ्लक्स निकालने का मतलब क्या है? मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज चाहिए आपको, है ना? एंड मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकला कि मैक्सिमम लेंथ आपको सोचना है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन लेंथ आपको चाहिए, है ना? मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन लेंथ पॉसिबल फॉर अ क्यूब या इनसाइड अ क्यूब, पॉसिबल इनसाइड अ क्यूब, और वो कितना है अभी ये बताओ? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल एल रूट 3, रूट 3 एल, रूट 3 एल व्हिच इज बॉडी डायगोनल, राइट? यस सर। एंड देयरफॉर अब हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? सो देयरफॉर phi max कितना आएगा? Q enclosed का maximum value divided by epsilon naught, and that will be lambda times of root 3 L and divided by epsilon naught.
Did you get it, everybody? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, एक और try करते हैं. Imagine करो यहाँ पे sphere है. This is sphere. Radius R दिया हुआ है, ठीक है? And यहाँ पे imagine करो एक uniformly charged plane sheet है. Uniformly charged plane sheet. And इसकी charge density आपको plus sigma coulomb per meter square की दी हुई है. And इस charge sheet की distance आपको center से ये x दिया हुआ है. आपको पूछा है flux through sphere कितनी आएगी, आप ये बताओ. Sphere के through flux आपको निकालनी है. बताओ. बताओ कितना टाइम क्या लगेगा आपको. बस चार्ज इनक्लोज कितना है, बस इतना ही सोचना है. इसी में आपको सारा विजुलाइज आएगा, मतलब जिसका रेडियस हम हां एक डिस्क आएगा ना, है ना, जो इनक्लोज है वो कौन है, डिस्क है या नहीं है. यस सर. समझ आ रही है सबको या नहीं समझ आ रही है? यहां पे जो अगर इसको अगर दिखाएं, यस, ये जो पार्ट आपका इनक्लोज है, ये वाली पोर्शन आपकी इनक्लोज्ड इज अ डिस्क, डिस्क इज इनक्लोज्ड. और आपको ये डिस्क के बारे में सोचना है कि डिस्क कितने रेडियस का है. तो डिस्क का रेडियस अगर आप देखोगे तो क्या यही उसका रेडियस होगा, क्या देखोगे, क्या ये रेडियस है उसकी? हां सर, रूट पर ये तो पाइथागोरस, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत निकाल सकते हैं. ये रेडियस आर है तो कितना जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. R square minus X square. तो area area of disc कितना हो गया? Area of disc कितना हो गया? Pi small r का square, which is pi capital R square minus of X square. So therefore, flux जो अपना sphere के through चाहिए, वो कितना होना चाहिए? Charge enclosed divided by epsilon naught. Charge enclosed कितनी है? Charge density is sigma and area is pi capital R square minus X square and divided by epsilon naught. Did you all understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.